तो यार दोस्तों दोनों भाइयों के गांव में वापस आ चुके हैं आज हम। और दोस्तों यार काफ़ी टाइम बाद उस लोकेशन पर आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हम रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी भैया ने बोला था कि आप यूट्यूबर तो हो ही हो भैया, और जो दोनों भाइयों के बारे में आप जानकारी लेने आए थे। तो दोस्तों यार उनके नाना जी साहब जब मिलने वाले, दोस्तों उनके नाना जी जो है रिक्शा चलाते हैं और उनका रिक्शा यहीं पर खड़ा दोस्तों आप देख सकते हो। और यहाँ पर मतलब कि बहुत चौड़ी जगह है दोस्तों, एक तरह से मतलब कि प्लॉट व्लॉट कटे हुए हैं और पास में एक ठेका भी है दोस्तों जो दारू शराब वराब का ठेका है। दोस्तों पहले मैं आपको खेले के बारे में बता देता हूँ, ये दोस्तों गायों के लिए स्पेशल बनाई गई है, मतलब कि गौ माता यहाँ पे पानी पीने के लिए आती है तो उनके लिए पानी, और वैसे विशलपुर से सुविधा की गई है डायरेक्ट दोस्तों पानी की। और बाकी मैं अब चलता हूँ। दोस्तों जो दोनों भाइयों के नाना जी है दोस्तों, ये मतलब कि शराब मुझे लगता है शराब पीते या फिर दिन भर में थक गए दोस्तों, वैसे यार ये रिक्शा चलाते हैं तो दिन भर में थक ही जाते हैं वैसे इंसान। तो गाइस यार इन्होंने थोड़ा शराब का सेवन किया, सामने आप देख सकते हो जो कि बाबा जी का मंदिर है और ये शराब पी के यहीं पे सो रहे हैं अभी। अभी हम इनका इंटरव्यू इतनी बता सकते क्योंकि अभी हम इसके पास में जाएंगे तो हमारे साथ में कुछ गलत भी कर सकते हैं ये, मतलब कि हमारे पास में पत्थर वगैरह भी फेंक सकते। दोस्तों आप समझ सकते हो यार दोस्तों कि मतलब कि जो शराब पी होते हैं उनको कुछ होश नहीं रहता है, मतलब कि ऐसे अचानक मारने लग जाते हैं। तो दोस्तों हम यहीं से बता देता आप लोगों को इसके बारे में, और ये दोनों भाइयों के नाना जी हैं, बाकी इनके शराब पी कर इन्होंने यहाँ पे पड़े हैं, मतलब कि यार रिक्शे चलाते हैं तो ऐसे थक गए होंगे यहाँ से ठेके से शराब लेके और यहीं पे पी के सो गए। बाकी दोस्तों ये रात यहीं पे सोते रहेंगे वैसे, और सुबह इनका जब रिक्शे का टाइम होगा इनकी शराब उतर जाएगी तब ये घर पर चले जाएँगे। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों यार इनकी शक्ल भी दोनों भाइयों के में मैच हो रही है, और वैसे खासकर तो इनके नाना जी है सगे, और इनका घर यहीं पे पड़ोस में ही है वैसे। अभी हम घर पे जाते वक्त इनके जो भी बेटे वगैरह उनको बोल देंगे फिर इनको यहाँ से लेके चले जाएंगे वो। बाकी दोस्तों यार काफ़ी अच्छे इंसान थे इनके नाना जी, लेकिन दोनों भाइयों के जाने के बाद में मतलब कि इन्होंने एक गम सा अलग दे लिया, फिर इन्होंने एक रिक्शा खरीदा था और रिक्शा चलाते चलाते यहाँ पे मतलब कि दोनों भाइयों के जाने के बाद इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था दोस्तों। तो आज इनकी ये हालत हो गई है और यहीं पर शराब पी के पड़े रहते दिन रात। दोस्तों यार क्या बताए दोनों भाइयों की, मतलब इकलौते दोस्त थे यार इनों के वो दोनों भाई, जो कि यार काफ़ी अच्छे लवर भी थे जिन्होंने प्रेमा के लिए जान भी दी थी, बाकी इनके इकलौते दोस्त थे वो। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।